नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर आप इसके डिटेल की बात करेंगे तो आप देखेंगे अप साइड में इसने एक बार अपना हाई बनाया था 26.70 रुपए का। उसके बाद से यह कंपनी 25 रुपए से लेकर 22 रुपए, 22.50 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ना उसके नीचे जा रहा है ना ही उसके ऊपर जा रहा है। एक बार इसने अपना लो भी बनाया था 20.80 रुपए का। उसके बाद से यह कंपनी एक रेंज में ही काम कर रहा है, यानी कि आप देखेंगे 22.50 रुपए या फिर 22 रुपए का डाउन साइड और अप साइड में 25 रुपए के आसपास का। ये दो रेंज इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज हो चुका है और कंपनी जब से लिस्ट हुआ है तब से उसी रेंज में। हालांकि कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि Q1 का रिजल्ट आप उठा लीजिए या फिर कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट उठा लीजिए, रिजल्ट काफी अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस कंपनी के साथ किया क्या जा सकता है? जो लोग IPO में ये शेयर पाए हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग नई फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहे, कोई भी पार्ट मिस न करें। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सीजन में ये शेयर क्लोज हुआ है 23.75 रुपए पे, जबकि अगर डिलीवरी की बात करें तो 40% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करते तो 39 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इसके Q1 रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे इनके जो प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा वो काफी अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 20% की ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा, जबकि अगर टोटल इनकम के ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 24.9% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी के रिजल्ट में काफी अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें आपको कुछ खास बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह शेयर यहां पे अपना सपोर्ट लिया, इससे पहले भी इस लेवल पे यह कंपनी कई बार सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि यह लेवल इस कंपनी के लिए काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन का भी काम करता है, जो है 22.80 रुपए के आसपास का। कंपनी यहां पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करके अगर ऊपर जाता भी है तो अधिक से अधिक ऊपर जाएगा 25.50 रुपए, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। उसके बाद से इस कंपनी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगा और फिर से बाद यह कंपनी फिर से 23.50 रुपए, 22.80 रुपए के आसपास जाकर वहीं पे सपोर्ट लेकर उसी के बीच में ही काम करेगा। जब से यह शेयर 25.50 रुपए का लेवल तोड़कर उसके ऊपर नहीं निकल जाता, 26-27 रुपए के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक इस शेयर में आपको कोई बड़ा चांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर यह कंपनी 26 रुपए का लेवल तोड़कर उसके ऊपर निकलता है तो फिर आप फ्रेश एंट्री की सोच सकते हैं। अगर उसके ऊपर नहीं निकलता तो मुझे लगता है इस शेयर में अगर आप खरीदारी करते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे। हाँ, अगर डाउन साइड में मिलता है तो फिर आप खरीदारी की एक चांस ले सकते हैं, यानी कि 22-23 रुपए के आसपास मिलता है तो आप चाहे तो खरीदारी का एक चांस लेकर 25-26 रुपए तक का अपना एक टारगेट लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। इस हिसाब से थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।